चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। नमस्कार, चलचित्र अभियान में आपका स्वागत है, जहां एनआरसी सीए एनपीआर के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं दलितों में भी इन कानूनों के खिलाफ रोष है। आइए बात करते हैं कुछ दलितों से और उनकी राय जानते हैं। 20 नवंबर 2019 को जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, उनका एक वक्तव्य आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि जो एनआरसी है, जो पहले 2 साल पहले आसाम में लागू हुई, वो अब पूरे भारत में लागू होगी। उसका दलितों पे क्या असर होगा? ये दलितों पर नहीं, ये तो समझा जा कि जो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी है, सभी पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। अब हमारे दादा बाबा जो थे, जहाँ से रहते थे, अब वहाँ पे मजदूरी करते थे, वो उनका काम पूरा करते थे और उनको खाना तक नहीं मिलता था, तो वे दूसरे गांव में जा कर के बसते थे। दूसरे गांव में उनके पास में जब पैसा नहीं था, जब उनके पास में ज्ञान नहीं था, तो वे कहाँ जा कर के प्रॉपर्टी खरीदते? तो 70 साल पुराना कौन एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी अपना रिकॉर्ड दिखाएगा? जब हमारे बाप दादे बेचारे अनपढ़ थे, नहीं पढ़े लिखे थे, आज वहाँ मजदूरी कर ली, आज कल वहाँ आ गए, परसों शाम ले आ गए, परसों वहाँ चले गए, अब कहाँ कहाँ का वो दिखाएंगे प्रूफ? और कहाँ हमारे पास इतने बड़े जो है पढ़े बुजुर्ग थे हमारे पास, जो उनके पास बैनामे होंगे या उनके पास पासपोर्ट होंगे या उनके पास बैंक खाते होंगे, कहाँ से दिखाएंगे जब हमारे पास कुछ नहीं है? अब जैसे आप बता रहे हो कि ये केस FIR लगाते हैं, अभी मुस्लिमों के साथ भी ऐसी, हाँ यही तो मुस्लिमों को भी, महिलाओं को यही तो समझाओगे हम, जाकर तुम बाहर लिखो, पढ़ दे पढ़ दे सब छोड़ दो। आप उनके साथ? हाँ हम उनके साथ हैं। इसमें लोगों के जो हक और अधिकार हैं, सबसे पहले उन पर हमला किया जा रहा है। ये मांग रहे हैं 1971 से पहले कागजात। अब 1971 से पहले कागजात कैसे दे सकते हैं? अगर मैं दलित समाज की ही बात करूं, तो दलित समाज जो रहा है हमेशा, वो अपनी ही ज़मीन पर कभी अपना हक नहीं जता पाया। उसकी ज़मीनों पर ही दबंगों का कब्जा रहा है, तो उसकी ज़मीन तब उसके पास ही नहीं रही, तो कागजात का तो कोई सवाल नहीं होता। और रही बात ये कि अब की जो वर्तमान स्थिति में जो पीढ़ी पड़ रही है दलित समाज की, ये दूसरी या तीसरी हो सकती है पढ़ने वाली पीढ़ियाँ, पर इससे पहले की जो पीढ़ियाँ थी वो बिल्कुल विद्यालयों से दूर रही है, शिक्षा का कोई अवसर नहीं रहा है। तो सवाल ये भी निकल के आता है और जवाब भी यही है कि इनके पास जो पूर्वज थे, तो दलितों के पूर्वजों के पास कोई पढ़ाई से संबंधित कोई कागजात भी नहीं है, ना ज़मीन का कागजात है, ना पढ़ाई का कागजात है। और एक बहुत बड़ा तबका दलितों में विस्थापित मजदूर होता है, पलायन मजदूर, जो आज यहाँ पर कार्य कर रहा है, कल किसी दूसरे प्रांत में कार्य कर रहा है। तो इस घुमंतु प्रकरण के दौरान उसके पास अपना कोई भी मजबूत कागजात नहीं है, और आने वाले समय में साथ ही साथ मुस्लिमों के साथ दलितों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर प्रधानमंत्री जी की बात की जाए, तो वे अब आज तक अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए, तो हम लोग अपने जो कागजात है, अपने बाप दादाओं के कागजात है, वो कैसे दिखा पाएंगे? ये कानून ही नहीं है, काला कानून है, और संविधान की जो आत्मा है उसकी हत्या के उसमें ये कानून है, और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो संविधान के अंदर लिखा हुआ है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष क्योंकि किसी धर्म के, जाति के, लिंग के आधार पर यहाँ किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। और ये जो कानून उन्होंने बनाया है, ये भेदभावपूर्ण है। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी मंशा एक ही है इसके पीछे, कि इस देश के अंदर दोबारा चुनाव ना हो, और स्थिति जो है, जो पहली स्थिति थी दलितों की, ओबीसी की, माइनॉरिटीज की, वो स्थिति ये लागू करना चाहते हैं। ये तो एक युद्ध इन लोगों को, जो दलित लोग हैं और ओबीसी के लोग हैं, माइनॉरिटीज के लोग हैं, इनको एक युद्ध लड़ना पड़ेगा, ऐसी स्थिति इन्होंने पैदा कर दी इस देश के अंदर।
सरकार की क्या मंशा है इस तरह के कानून लाना और उस स्थिति पे लाना जब देश की आर्थिक हालत बहुत चरमरा रही है। सीधी सीधी बात है कि जो असली मुद्दे हैं हमारे, उनसे भटकाना। जैसे बेरोजगारी चरम पे पहुंच गई, इतने स्वास्थ्य की हालत बहुत ख़राब है और शिक्षा खराब हो रही लगातार, इतने सारी समस्याएं जो देश में हैं, सीधा सीधा है कि उनसे जो आम जनता है उसे भटकाए जा। मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, हो गया अब जा, लेकिन मेरे मम्मी और पापा की हालत क्या रही होगी, ना तो दोनों पढ़े लिखे हैं, या आसपास के हमारे जो पूरा परिवार ही है, चाचा था, उनके पास तो कोई है ही नहीं ऐसा डॉक्यूमेंट्स। और फिर एक और समस्या होगी कि जैसे मेरी मम्मी है, तो मेरी मम्मी तो कहीं और की रहने वाली है, तो उसे डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा उस गांव में, उस गांव वाला तो नहीं देगा भाई, क्योंकि वहाँ से तो 20-25 साल हो गए आ गई मम्मी। जो बड़े बड़े देश में राइट्स हुए हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर गए, जिनके घरों का पूरा सब कुछ जल गया, कागज कहाँ से लाएगा? दलितों के साथ भी कितना हुआ? दलितों के साथ। और आप ये देखिए, आदिवासी जो आदिवासी एसटी लोग हैं, उन वो जंगलों में रहते हैं, वहाँ कागज बने भी नहीं है, उनके वोटर कार्ड भी नहीं बने हैं। और वोटर कार्ड तो बन गए हैं हमारे यहाँ, तो वोटर कार्ड तो बन जाते हैं, लेकिन उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होता है ना। आप नागरिकता देने की बात कर रहे हो, क्या इस देश में पहले नागरिकता नहीं थी इनको? और इनको जब भी अधिकार ही नहीं मिले, तो अब इस मामले में क्या अधिकार की बात हो रही है? क्योंकि ये देश को एक जो बवंडर किया गया जा रहा है मुस्लिम के नाम पर, या जाति विशेष धर्म विशेष के नाम पर एक गोलबंदी, एक विचारधारा से काम किया जा रहा है, और वो उस आधार पर हम चाहेंगे नहीं। और संविधान विरोधी है, क्योंकि ये संविधान बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता कि धर्म के आधार पर किसी भी सदस्य ली जाए या छीनी जाए। हम केवल इनसे ये सवाल पूछना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिंदू लोग आए हुए हैं, भाई उन्हें नागरिकता देनी है दीजिए, कोई चिंता नहीं है, लेकिन आप तो ये करके एक राजनीति कर रहे हैं, जाति और धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। आप ये काम करके ये रास्ता खोलना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर जो हिंदू धन्ना सेठ हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उनको फ्री में भारत के अंदर लाकर उन पर ये एहसान जताकर कि हमने आपको नागरिकता दी, तो उनकी वोट हासिल करना चाहते हैं, और हमारे देश का जो नागरिक है उसे आप, उसे ये कह रहे हो कि आप नागरिकता साबित करोगे, आप भारतीय हैं कि नहीं हैं। बड़ी अजीब दुविधा है, बड़ा अजीब बात है। बाहर से आने वालों के लिए तो सुविधा है, लेकिन जो अंदर के लोग हैं जिनके पास कोई कागज नहीं है, क्या वे मतलब वे कहाँ से आए हैं? आसमान से थोड़े टपके हैं, वे हैं तो हमारे देश के, हमारे देश में सदियों से रहते हैं, और मतलब उनके पुरखे, दादा परदादा सब यहीं से रहते हैं, लेकिन वे घुमक्कड़ लोग हैं। आज 2 साल यहाँ काट लिए, उसके बाद फिर रोजगार खत्म हो गया, फिर भट्टे पे चले गए। देश में मतलब करोड़ों लोग जो आदिवासी लोग हैं, उनके लिए ऐसी समस्या आ जाएगी कि उनको जंगल से निकाल दिया जाएगा, और जंगल जो है मतलब इन पूंजीपतियों के हाथों में आ जाएंगे, और पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा, और ये देश में मतलब चारों तरफ हाहाकार मचने वाला है। जो गरीब तबका है, चाहे वो SC हो, ST हो, या पिछड़े समाज का हो, या अदरवाइज वो किसी भी कास्ट या समुदाय का लोग आदमी हो, वो तो इस तरीके से पूरे उससे परेशान ही हो जाएगा, क्योंकि वो बेचारा कहाँ से अपने कागजात ला देगा ऐसे। तो इसे लोगों को ये करना चाहिए भाई, जब तक बात संवाद से बने तो ठीक है, नहीं तो हिटलर जैसे तानाशाह नहीं रहे तो मोदी क्या चीज़ है। इस कानून के खिलाफ दलित समाज कैसे आगे विरोध करेगा? हर संगठन को, और जो बुद्धिजीवी लोग हैं दलित समाज के अंदर, उसको जा कर के गांव-गांव, घर-घर जा कर के इन लोगों को इस कानून के विषय में बताना पड़ेगा कि ये काला कानून आप कैसे थोप दिया गया। और इसके साथ अगर मुस्लिम भाई भी लगेगा तो इस कानून का विरोध होगा, अन्यथा इस कानून का विरोध नहीं होगा। तो दलित समाज को भी इनके साथ लगना पड़ेगा, तब जाकर इसका पूर्व विरोध होगा, नहीं तो विरोध नहीं होगा। ये जो कानून है ये मुस्लिमों के ही खिलाफ नहीं है,
ये दलितों के भी खिलाफ है, हर उस अशिक्षित परिवार के खिलाफ है जो पहले से ही अशिक्षित रहा है और जिसको आज तक भी शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पाई, या उसके भी खिलाफ है जो आज जिसने अगर पीएचडी कर ली हो, जिसके दादा परदादा बुजुर्ग शिक्षा से दूर रहे हो, जिनके पास ज़मीनें भी ना हो। CAA के मैं बिल्कुल विरोध में हूँ, बिल्कुल एकदम साफ है सीधा, और मैं इसलिए विरोध में भी हूँ क्योंकि आप जो है संविधान के बिल्कुल खिलाफ बात कर रहे हैं। और चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति हो, चाहे दलित भी ना हो, चाहे हिंदू इसमें अंदर भी आ जा, अगर आप मुस्लिमों के साथ भी ऐसा कर रहे तो मैं विरोध में हूँ। कोई एक आदमी भी अगर देश का बाहर जावे तो मैं उसके विरोध में हूँ।